दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। लाल रुमाल। ये कहानी प्रिया और सुमित्रा की है। दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे और अब इतने सालों बाद भी वो एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। दोनों ही बैंगलोर में एक साथ रहते थे। एक बार वो दोनों देर रात एक पार्टी से घर लौट रहे थे। सुमित्रा कार ड्राइव कर रही थी पर उन दोनों के चेहरों पर तनाव और गुस्सा था। प्रिया ने पार्टी में सुमित्रा के दोस्तों के सामने उसका कोई सीक्रेट रिवील कर दिया था और इसके चलते सुमित्रा प्रिया से बेहद गुस्सा थी। प्रिया ने सुमित्रा से ऑलरेडी कई बार माफी मांग ली थी मगर सुमित्रा फिर भी मानने को तैयार नहीं थी। सुमित्रा और प्रिया के बीच गाड़ी में ही बहस होने लगी। परेशान होकर प्रिया ने सुमित्रा को गाड़ी रोकने के लिए कहा। सुमित्रा बेहद गुस्से में थी और उसने गाड़ी के ब्रेक्स जोर से लगाए। प्रिया गाड़ी से उतरकर रोड के बीचों बीच खड़ी हो गई। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो सारे रिलेशंस को कुछ पलों में ही छोटा कर देता है और यहां भी यही हुआ। गुस्से में सुमित्रा ने अपनी बचपन की दोस्त को आधी रात में एक सुनसान सड़क के बीचों बीच छोड़ दिया और वहां से गाड़ी लेकर चली गई। प्रिया ने जैसे ही सुमित्रा को गाड़ी से दूर जाते देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने किसी तरह अपने आप को शांत किया और फोन से कैब बुक कराने की कोशिश करने लगी पर उस सुनसान एरिया में कोई कैब्स अवेलेबल ही नहीं थी। रात के कुछ 2 बज चुके थे। प्रिया ने रोड पर ही चलना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि थोड़ा आगे चलकर शायद उसे कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी। अपने फोन में नजरें गड़ाए प्रिया रोड पर चल रही थी कि तभी उसका पैर कीचड़ में पड़ गया। प्रिया का पूरा पैर उस गंदे कीचड़ में डूब गया था लेकिन एक अजीब बात थी, वो कीचड़ सड़क के नॉर्मल कीचड़ जैसा नहीं था बल्कि बेहद चिपचिपा और गाढ़ा था। और तो और उस कीचड़ में से काफी बुरी बदबू आ रही थी। प्रिया ने इधर उधर देखा तो उसे रोड के साइड पर एक लाल रुमाल पड़ा मिला। प्रिया ने उस रुमाल से अपने पैरों को अच्छे से साफ किया और उस रुमाल को वहीं फेंक कर वो आगे चलने लगी। कुछ ही दूर चलते हुए प्रिया को ऐसा सुनाई पड़ा कि जैसे कोई उसकी तरफ तेजी से भाग कर आ रहा हो। प्रिया ने तुरंत ही पलट कर देखा पर वहां कोई था नहीं। प्रिया को ये बात बेहद अजीब लगी पर उसने उस आवाज को अपने मन का वहम मान लिया और आगे चलने लगी। चलते चलते प्रिया को काफी प्यास लगने लगी थी। पानी की बोतल निकालने के लिए प्रिया ने अपना पर्स खोला तो वो थोड़ी दंग हो गई। उसके पर्स के अंदर वही सड़क वाला लाल रुमाल पड़ा हुआ था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सबसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। हम YouTube पर 3.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुके हैं पर Instagram पर अभी भी हमारे सिर्फ 58,000 ही फॉलोअर्स हैं। बड़ी नाइंसाफी है। हमारे Instagram की लिंक इस वीडियो के पिन कॉमेंट में है तो जल्दी से हमारे Instagram पर जाओ और @ खूनी मंडे को फॉलो करो। प्रिया को याद था कि उसने वो रुमाल जमीन में फेंक दिया था तो फिर उसके पर्स में वो रुमाल कैसे आया। प्रिया उस लाल रुमाल को अपने हाथ में पकड़े ये सोच ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। प्रिया जब मुड़ी तो उसके एकदम पास तो कोई नहीं था लेकिन थोड़ी दूरी पर ही एक पेड़ के पीछे से एक आदमी प्रिया को देख रहा था। उस आदमी ने एक काले रंग की हुडी जैकेट पहनी हुई थी जिसे देखकर प्रिया अचानक घबराहट महसूस करने लगी। वो आदमी दूर एक पेड़ के पीछे से उसे देखे जा रहा था।
प्रिया उसकी शक्ल तो साफ साफ नहीं देख पा रही थी, मगर उसे वो आदमी किसी नॉर्मल इंसान की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। सहमी सी प्रिया ने उस रुमाल को वहीं फेंका और अब वो तेज कदमों से आगे चलने लगी। प्रिया अब अपने गुस्से को भूल गई थी और डर के मारे वो सुमित्रा को फोन मिलाने लगी, पर उसका फोन लग ही नहीं रहा था। प्रिया को बार बार अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज भी आ रही थी, पर प्रिया में पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो रोने लगी, और अब की बार उसकी आंखों से जो आंसू आए वो रोके नहीं रुके। प्रिया के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था और उसके पीछे चल रहा आदमी उसकी जान के लिए खतरा भी हो सकता था। प्रिया ने मन में डिसाइड किया कि वो दौड़कर उस आदमी से बहुत दूर भाग जाएगी, लेकिन उसने जैसे ही भागना शुरू किया उसी वक्त उसका पैर दोबारा एक कीचड़ के गड्ढे में पड़ गया। प्रिया ने रियलाइज किया कि वो गड्ढा और कीचड़ बिल्कुल पहले वाले गड्ढे और कीचड़ जैसे ही थे जिसमें उसका पैर कुछ वक्त पहले ही पड़ा था। प्रिया की समझ में अब कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद वो उसी जगह पर वापस आ गई थी जहां से उसने चलना शुरू किया था। प्रिया ने जैसे ही अपनी दाईं तरफ देखा तो वहां वही काली हुडी जैकेट पहने वो आदमी खड़ा था और उसके हाथ में वही लाल रुमाल था। उसे देखते ही प्रिया की चीख निकल गई, क्योंकि अब प्रिया उसका चेहरा बिल्कुल साफ साफ देख पा रही थी। उस आदमी का चेहरा इतना भयानक था कि प्रिया सुन्न पड़ गई थी। उस आदमी की आंखें अंदर धसी हुई थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी किस्म की दरारें थीं जिनसे खून बह रहा था। प्रिया बुरी तरह रोने लगी। वो आदमी अब प्रिया को रोता देख अजीब ढंग से मुस्कुराने लगा था और धीरे धीरे अब वो उसके पास भी आने लगा था। ये देखकर वहां जमी सी खड़ी प्रिया चीख चीख कर भागने लगी। प्रिया ने भागते हुए डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और तभी अचानक वो किसी बहुत बड़ी चीज से टकरा गई और वहीं बेहोश हो गई। उसे होश आया तो वो किसी गाड़ी की बैक सीट पर थी। प्रिया का एक सेकंड के लिए दिल कांप उठा, लेकिन जब उसने देखा कि गाड़ी कौन चला रहा है तब उसकी जान में जान आ गई। उसकी दोस्त सुमित्रा ही गाड़ी ड्राइव कर रही थी। सुमित्रा ने बताया कि उनकी लड़ाई के बाद सुमित्रा को कुछ दूर जाकर प्रिया की चिंता होने लगी थी। आखिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, और जब प्रिया का फोन आउट ऑफ नेटवर्क गया तो सुमित्रा और भी ज्यादा परेशान होने लगी थी। इसलिए सुमित्रा ने उसी वक्त प्रिया को वापस लाने के लिए अपनी गाड़ी मोड़ ली थी। सुमित्रा ने उसे बताया कि प्रिया भागती हुई उसकी गाड़ी से टकरा गई थी। सुमित्रा ने कई बार प्रिया से उसके रोने का कारण पूछा, पर प्रिया उसे कुछ भी नहीं बता पाई। प्रिया को कभी समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ, और शायद इसीलिए प्रिया आज भी उस घटना के बारे में बात नहीं करती। उस रात के बाद अगर प्रिया कहीं किसी के पास कोई लाल रुमाल देख ले तो उसका दिल बुरी तरह दहल उठता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? पसंद आई तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को चेकआउट करना मत भूलिएगा। उस पर हम ऐसी ही बहुत सी कहानियां और बातें डिस्कस करते हैं। फॉलो नाउ, लिंक इन द पिंड कमेंट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।